हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन कक्षा सातवीं की 13 चैप्टर एक तिनका है ना, इसमें श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने स्वयं के बारे में बताया है कि किस तरह से हमको कभी भी किसी के ऊपर भी, ना अपने ऊपर भी ना किसी के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, भले ही वो किसी भी तरह का हो। तो एक तिनका ही काफ़ी रहता है मनुष्य के घमंड को चूर करने के लिए। तो इसमें श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने, हरिओत उनको उपाधि दी गई थी और उनका जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, तो इन्होंने अपने स्वयं के बारे में बताया है। अपन देखते हैं कविता के माध्यम से। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इसमें कवि क्या बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ था, अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था जब इस तरह की पंक्तियाँ होती हैं तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, ठीक है। संदर्भ में क्या आता है कि ये कविता किस पाठ से ली गई है, इसके कवि क्या है, कौन है, अपन सिर्फ संदर्भ में इतना ही लिखते हैं। इसके बाद में आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखते हैं अपन कि जो पंक्तियाँ अपन ने लिखी हुई या लिख रहे हैं तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, ये काय के अंतर्गत आता है, प्रसंग के अंतर्गत आता है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले संदर्भ है, पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता एक तिनका से लिया गया है और इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। हरिओत उनको उपाधि दी गई थी इसलिए उनके सरनेम के आगे हरिओत का मतलब उपाधि से सम्मानित किया गया था इसलिए जोड़ा जाता है। इसके बाद में प्रसंग है, इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने कहना चाहा है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो क्या बता रहे हैं कवि, एक दिन क्या हुआ था, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कवि जब एक दिन अपने छत पर घमंड में चूर होकर और अपने छत के किनारे पर खड़ा हुआ था तो अपने आप पर उसको इतना अभिमान हुआ, गर्व हुआ कि मतलब उससे बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं है। तो वो ऐसा सोच रहा था, हुआ खड़ा था, उसके मन में यह विचार था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीन्स उसको अपने आप पर इतना घमंड था कि वो क्या कहना चाह रहा है कि उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या होता है आगे, अचानक ही दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और उसकी आँख में पड़ गया। अब जब वो अपने आप में चूर होकर, घमंड से चूर होकर छत के ऊपर खड़ा हुआ था किनार पे, तो एक घास का छोटा सा तिनका उसकी आँख में आके गिर गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। अब क्या हुआ था, जब उसके आँख में तिनका आके गिरा तो उसकी वो बेचैन हो गया, उसे दर्द होने लगा और वो दर्द होने से उसकी आँखें कैसी हो गई थी, लाल हो गई थी, और मूठ देने लोग कपड़े की लगे, जो आसपास के लोगों ने देखा तो उसके पास आए। और मूठ मीन्स होता है अपन कपड़े को एक गट्टे जैसा बना के और उसको थोड़ा सा गीला करके और अपने आँख में सिकाई करते हैं तो वो होता है मूठ। तो उससे कपड़े की मूठ बनाकर उससे सिकाई करने लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, जिससे कि क्या है, कवि का जो दर्द था वो धीरे धीरे कम होना लगा। तो देखते हैं अपन संदर्भ है, सेम आपको वही लिखना है कि किस कविता से ली गया है, कविता का नाम लिखना है और इसके कवि कौन है इसके ये लिखना है। इसमें प्रसंग है, इसमें हरिओत जी ने बताना चाहा है कि कवि की आँख में तिनका गिर जाने पर वह कैसे बेचैन हुआ और लोगों ने उसे तिनके को कैसे निकाला। अब व्याख्या, कवि की आँख में तिनका गिरते ही वह तिलमिला उठा। स्वाभाविक है कि जब हमारे आँख में छोटा सा भी एक कचरा गिर जाता है तो हमको बहुत परेशानी होती है, दर्द होता है ना, और हम को बहुत बेचैन हो जाते हैं जब तक कि वो बाहर नहीं निकलता। तो वह बेचैन हो गया और उसकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी, लोगों ने उसकी आँख में कपड़े की मूठ देकर तिनके को निकालना चाहा। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी डब से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अब मैंने जस्ट आपको पहले बताया था कि हमको अब कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए,
तो इसमें बताया गया है कि क्या बता रहे हैं, संदर्भ वही लिखेंगे आप लोग कि किस कविता से लिया गया है और इसके कवि कौन है, और प्रसंग में लिखेंगे कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य के घमंड को तोड़ सकता है। तो जब लोगों के अथक प्रयास से कवि की आंख पर तिनका निकल गया तो उसकी बुद्धि ने, मीन्स उसको अपने आप में समझ में आया कि मैं क्यों घमंड कर रहा था, मैं क्यों इतरा रहा था, और बुद्धि ने उसे सचेत करना चाहा कि उसे अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक केवल एक तिनका ही उसके घमंड को तोड़ सकता है। इसके बाद में इस कविता के माध्यम से जब आप इसको पूरी पंक्तियां पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, भले वो किसी भी तरह का घमंड हो, एक छोटा सा तिनका ही हमारे घमंड को चूर करने के लिए काफ़ी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। अब एक पंक्ति दी गई है आपको, तो इसमें बताना है कि एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अब इसमें एक दिन जब कवि अपनी छत के किनारे करना है इसको, खड़ा था, और सेकेंड है लाल होकर आंख भी दुखने लगी, जब वो आंख में तिनका चला गया घास का छोटा सा, तो उसकी क्या आंख में जब चला गया तो वो आंख कैसी हो गई थी, लाल होकर दुखने लगी। एंड थर्ड है ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, जब आंख में बहुत दर्द हुआ तो कवि का घमंड भी टूट गया। एंड फोर्थ है जब किसी डब से निकल तिनका गया, किसी तरीके से आंख का तिनका निकाला गया, मीन्स उसके आसपास के लोगों ने देखा और उसकी सहायता की। इसके बाद में सेकंड है एक दिन का कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है, मीन्स हमें किसी भी तरह का, मैंने बताया आपको कि हमें किसी भी तरह का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें बनती कोशिश सभी के साथ में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और सहायता करनी चाहिए सभी की। तो इसमें इसी बात को बताया गया है कि एक दिन का कविता में हरिओत जी ने आँख में चले जाने वाले तिनके की बात की है, कैसे एक तिनका, मीन्स वो कितना घमंड करता था अपने आप पे, तो जब वो छत के ऊपर अपने घमंड को से चूर होकर खड़ा हुआ था तो एक घास का छोटा सा तिनका उसकी आँख में आके गिर जाता है, और जिससे कि उसको बहुत बेचैन हो जाता है और उसकी आँख लाल हो जाती है और दर्द से कराता है, तो आसपास के लोग उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, और किस तरह से वो एक छोटा सा तिनका है उसके लिए काफ़ी रहता है उसके घमंड को चूर करने के लिए। तो उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी, लोगों ने आँख में कपड़े की मोठ भी दी और किसी तरीके से तिनका निकाल दिया, ऐसे में कवि का घमंड चूर चूर हो गया, उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए कि तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने हेतु एक तिनका ही काफ़ी है। इस कविता से यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी वस्तु या प्राणी भी घमंड को चूर करने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, जब उसकी आँख में छोटा सा वो घास का छोटा सूखा तिनका गिर गया था तो उसकी दशा कैसी हो गई थी, घमंडी की आँख में तिनका पड़ने पर लाल होकर दुखने लगी, ऐसे में वो बेचैन हो उठा जिससे उसका घमंड क्या है चूर चूर हो गया। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया, जब उसके आसपास के लोगों ने देखा कि वो दर्द से करा रहा है और उसकी आँख लाल हो गई, बेचैन हो गया था वो, तो घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख में डाली और उसकी सहायता की। तो बच्चों आप ये जब कविता लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, और उसके बाद में कौन सा चैप्टर है, इसके बाद में पूरी कविता लिखनी है, और अगर कोई पिक्चर है इसमें आप बना सकते हैं तो पहले वो पंक्तियाँ लिख के एक पिक्चर शो करना है, उसके बाद में जो मैंने PDF में डाला है संदर्भ प्रसंग एंड अर्थ एंड इसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, धन्यवाद।